Shutterstock Music. तो हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आज हम चंबा जा रहे हैं और मुंह मेरा लग ही रहा होगा कि बिना नहाए धोए आ रखा हूँ मैं। एक्चुअली 1 बजे का अलार्म लगाया था। सोए कितने बजे थे? सोए 11 बजे थे, 11 के भी बल्कि 11:30 बजे के आसपास सोए थे। तो 1 बजे का अलार्म लगाया था, नींद खुली नहीं और फिर उठे जैसे तैसे और अपना फटाफट कपड़े चेंज किए, मुंह हाथ धोया बस ऊपर से और चंबा के लिए हम निकल गए हैं। अब सबसे पहले हमने फ्यूल डलवाना है क्योंकि जो इसका फ्यूल का निशान है, जो डंडी होती है फ्यूल की, वो रेड पे आ रखी है। तो सबसे पहले हमने फ्यूल फुल कराना है और उसके बाद हम चलते हैं फिर चंबा में घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरे को तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, होते तो हैं ये सुबह सुबह, मतलब सुबह होते हैं, अभी का नहीं पता मुझे 1 बजे का। चले फिर यहाँ से और कहाँ से डलवाएंगे अब फिर? रास्ते में कोई, ये तो अच्छा मजाक हो गया हमारे साथ यार। 1 बजे तो कौन गायब होता भाई। पीछे हो जाओ, पीछे बस कर दे 35 वोल्ट। खरड़ में पहुंच गए हैं क्या? तो खरड़ में पहुंच गए हैं अभी हम। ये पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, मतलब डबल साइडेड थी या सिंगल? नहीं डबल थी रोड तो, पर फ्लाईओवर नहीं, डबल ही थी भाई। मेरे को तो आए भी यहाँ पे कई साल हो गए, तब यहाँ पर मतलब डबल साइडेड रोड थी और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था सिर्फ 5-6 किलोमीटर कवर करने के लिए, क्योंकि जाम ही जाम सड़क पे, लोग ही लोग, निकल ही निकल, इतना ज्यादा जाम होता था ना कि काफी टाइम लग जाता था। अब तो ये एक फ्लाईओवर थोड़ा साथ सही बात है, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। दूसरा तो मतलब जबरदस्त बन रखा है और अभी इतनी सुबह सुबह तो भीड़ भी नहीं है, तो बढ़िया लग रहा है। बस थोड़ी लाइटिंग कम है यहाँ पे, नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये अभी फ्लाईओवर पे चल रहा है, सामने तक शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये ऊपर ऊपर चल रहा है जैसे अपना पानीपत वाला फ्लाईओवर है ना। नीचे नदी है, ऊपर हम हैं और हमारे ऊपर आसमान है जो कि नीला है। और यहाँ से इतना
इतना अच्छा व्यू लगता हुआ, मतलब फोन में तो अभी आ नहीं रहे, अभी ट्राई करेंगे कहीं किसी लोकेशन पे खड़े होके अच्छे से, वहां से बर्फ के पीछे पहाड़ बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, मतलब बर्फ के पहाड़ पीछे की साइड नजर आ रहे हैं पहाड़ों के, इतने अच्छे लग रहे थे वो, और उसपे व्हाइट व्हाइट स्नो एकदम चमकती हुई, बड़े सुंदर लग रहे थे इन पहाड़ों के पीछे से, ये है शायद। हाँ, इन पहाड़ों के बैक भी है यहाँ पे, किसी को प्यास लगे और मतलब व्यू जबरदस्त है। शिमला से अच्छा है लगा? शिमला से तो बहुत अच्छा है, शांत सा बढ़िया सा, ऐसे व्यूज तो वहाँ पे है ही नहीं। खैर अगर होंगे तो हमने नहीं देखे, तो हमारे लिए नहीं है। हमें चंबा बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। नीचे नदी भी जा रही है इधर, और मेरा कैमरा वहां नहीं पहुंच रहा, उधर हो लेना जब मैं इधर से आ रहा हूं। और बहुत ही मतलब लेके गाड़ी का ही सिर्फ रास्ता, इतना कम रास्ता है, ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो थोड़ा सा डेंजरस रोड है ये ना, तो ध्यान से चलाना कर पड़ता है इस पे ड्राइव। और अब जैसे ही दिन मतलब दिन तो निकला हुआ था, हमने अर्ली मॉर्निंग शुरू करा था, तो अब गाड़ियों की भीड़ थोड़ी सी दिखने लगी है ना, और हम सो भी गए थे। हाँ, फिर हमें नींद आ गई थी तो हमने गाड़ी साइड में लगाई और हम थोड़ी देर सोए, इतने में फोन आ गया, नींद खुल गई, नींद खुल गई। बड़ा हमारी को अभी भी सो रही है, बढ़िया लोकेशन आ गई है, पीछे पत्थर ही पत्थर है, वहां कार खड़ी है, और लोकेशन देखो क्या जबरदस्त लग रही है। वहाँ सामने तक ना बिल्कुल समतल दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा। जबरदस्त नजारा, बीच में सड़क जा रहा, गुगु है हमें प्यारा, ये है चंबा का नजारा, ये है चंबा का नजारा। वाह क्या बात है, थोड़ी छोटी सी कैसी अच्छी सी लग रही है ना सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, ये देख यहाँ भी कैसे काट कट सा पड़ा हुआ बीच में।
मुझे सीमेंट सीमेंट से वाले पहाड़ आ गए। बना दिया भाई, नीचे ना सारा ग्रे ग्रे हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। भाई चंबा पहुंच चुके हैं और क्या जबरदस्त नदी है, नदी में ही बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं। तो भाई खाना हमने खा लिया, जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, और आगे जाम लगा हुआ है क्योंकि एक बस अभी क्रॉस करी है और उधर से व्हीकल आ रहे हैं और वहाँ से बस फंसी पड़ी हुई थी, लेकिन अब चल पड़ी है। खाना ठीक था, बढ़िया था, ऐसा नहीं था कि भाई वाओ ऐसे वाला नहीं था, पर अच्छा था, डिसेंट सा था। और अभी हमने पुलिस वाले अंकल से पूछा कि अंकल जी यहाँ पे कोई है, मतलब अंकल तो नहीं बोला मैंने, सर ही बोला था। तो रास्ता इसीलिए जाम लगा क्योंकि छोटा सा रास्ता है, वहाँ से भी बस आ गई थी, इधर से भी बस आ गई थी, तो इस वजह से। और ये साथ में, और ये साथ साथ हमारे जा रही है नदी। तो अभी देखते हैं, मॉल रोड कह रहे हैं वो, उन्होंने बताया पुलिस वालों ने कि 6-7 किलोमीटर पड़ेगा ढली चौगान के पास से। तो अगर आसपास पड़ जाता है तो अभी मॉल रोड चलते हैं सुबह सुबह, वैसे वहां पे कुछ मिलेगा तो है नहीं। और वो सामने पहाड़, हाँ वो रे वो बर्फ वाले पहाड़ जो बता रहे थे ना हम आपको, हाँ ये बर्फ वाले, अब सही चांदना पड़ रहा है ना, वह चांदना यानी कि सूरज की रोशनी, पूरे मस्त लग रहे हैं पहाड़। तो जैसा कि हम दोस्तों चम्बा पहुंच चुके हैं और अब हमने सबसे पहले देखना है होटल और खाना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो बाकी की वीडियो आएगी सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। टाटा बाय बाय।